दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आप लोग के लिए नया वीडियो शूट करने के लिए। और मेरा आज वीडियो का लोकेशन है जो कालूपुर का जो होलसेल का जो प्लास्टिक का मार्केट है ना, वो मैं आप लोग के साथ पूरा शेयर करने वाला हूँ, पूरा शूट करके आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल को जरूर एक सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ये करने के लिए मत भूलना दोस्तों। इसका जो एड्रेस है ना, वो भी मैं आप लोग को मतलब बता देता हूँ। इसका जो एड्रेस है, अब जैसे कालूपुर सर्कल में उतरोगे, उतरने के बाद जैसे नरोडा वर्ज का जो रोड जाता है ना, वहाँ पे जो पुल पड़ता है, पुल के नीचे बिल्कुल पड़ा है जो प्लास्टिक का बहुत ही बड़ा होलसेल वाला मार्केट। मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे ने ऐसे मुझे बताया था कि चलो प्लास्टिक का जो होलसेल मार्केट है उसके लिए थोड़ा सा शेयर करने के लिए। तो आप लोग मेरे से बने रहना और फुल कंटिन्यू करते रहना। तो चलो चलते हैं और प्लास्टिक वाला मार्केट पर चलते हैं और पूरा आप लोग को डिटेल्स में बताता हूँ। तो दोस्तों देख लो, ये रहा कालूपुर का जो प्लास्टिक वाला मार्केट है ना, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट से मैं शुरुआत करता हूँ। पहले पड़ता है गुरु नानक जी का, मतलब उनका जो शॉप पड़ता है ना, यहाँ पे प्लास्टिक का टोटली आप लोग को कलेक्शन मिल जाएगा। मैं टोटली आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे साथ फुल कंटिन्यू करते रहना। ये देखो प्लास्टिक की आइटम की बात कर तो यहाँ पे टोटली सब कुछ मिलेगा, तो मैं आप लोग के साथ टोटली शेयर करने वाला हूँ। पहले थोड़ा ऐसे आप लोग के साथ थोड़ा वॉच करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो प्राइस है वो भी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। देख लो यहाँ पे प्लास्टिक की बात करूँ, मतलब टोटली जो भी ऐसे कलेक्शन आप देख रहे हो ना, बहुत ही जस्ता और सस्ते में पड़ेगा, बिल्कुल होलसेल भाव पे आप लोग को मिल जाएगा। और यहाँ पे ऐसे टोटली कलेक्शन बोलो, कटलरी के कलेक्शन बोलो, प्लास्टिक की बात करूँ, ये सब बिल्कुल होलसेल भाव पे आप लोग को मिलेगा। भैया ये सब कितने में, जोड़ी में आता है कि किस में, कैसे आएगा ये सब? पूरा सेट आएगा ना इसका, पूरा सेट आएगा ना इसका, सैंपल के लिए सिंगल, पूरा ऐसे पूरा होलसेल रिटेल दोनों ही होता है ना, रिटेल में नहीं ना, खाली होलसेल। ओके यहाँ पे देख लो टोटली जो भी कलेक्शन देखो, ज़्यादातर होलसेल में मिलेगा, रिटेल में भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। तो भी होलसेल की बात कर तो यहाँ पे मतलब कोई भी अच्छे कलेक्शन देख रहे हो, टोटली होलसेल में आप लोग को मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सस्ते में पड़ेगा। और यहाँ पे देखो टोटली कलेक्शन देखो, प्लास्टिक की कलेक्शन की बात करूँ, ये पूरा जो मार्केट देख लो यहाँ पे टोटली ऐसे चूहे पकड़ने के लिए खांचा बोलो या फिर प्लास्टिक की कोई भी कलेक्शन बोलो, बिल्कुल बिल्कुल सस्ते ही मिलेगा। मतलब आप लोग ऐसे बाहर जाओगे, जितना प्राइस में मिलेगा उससे बहुत ही ज़्यादा सस्ते में आप लोग को मिलेगा। चलो मैं धीरे धीरे करके आगे निकलता हूँ। और आगे निकलने के बाद भैया ये सब पूरा ऐसे पूरा सेट में आएगा ना, ये सेट का कितना पड़ेगा? ये वाला ये 12 रुपये एक पीस का, एक नंग का। और मतलब रिटेल भी होता है होलसेल की, खाली होलसेल? खाली होलसेल ना। यहाँ पे देखो पूरा ऐसे होलसेल में आप लोग को मिल जाएगा। और ये एक नंग का 12 रुपये पड़ेगा ना, एक नंग का। देख लो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से शेयर भी कर लेता हूँ कि इन सब का प्राइस कितना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा सस्ते भी आप लोगों के साथ पड़ जाएगा। भैया ये सब थोड़ा बहुत इसका प्राइस निकाल दो, ये सब ये पूरा सेट आएगा ना, कितने पड़ेगा? ये 90 रुपये का डजन आएगा, 90 रुपये का डजन आएगा ना, 1, 2, 3, 4 इसमें 6 पीस है, मतलब 12 पीस का 90 रुपया, हाँ। बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ेगा। आपका शॉप का शॉप का नाम बता सकते हो? हाँ। बता सकते हो पूरा एड्रेस, मतलब बता दो ना ऐसे शॉप का नाम? ओके, आप लोग जरूर आना इन भैया के शॉप पे। और यहाँ पे बिल्कुल सस्ते पड़ेगा, यहाँ पे टोटली कलेक्शन की बात करो ना, बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ेगा। मैं एक के बाद एक जो भी कलेक्शन है ना, थोड़ा बहुत ऐसे आप प्राइस बता दो ना। और ये जो इसका भी ऐसा दिखा दो, ये कितने पड़ेगा? ये भी डजन में आएगा ना पूरा? हाँ। कितने? 10 रुपये का, मतलब ये मतलब टोटली 6 पीस आएगा, पूरा 6 नंग आएगा साथ में। और कितने में? 120 रुपये में, 60 रुपये में, मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़े। मतलब आप लोग ऐसे मतलब कोई भी ऐसे शॉप में लेने के लिए जाओगे ऐसे रिटेल में, तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इसके लिए सबके लिए बेटर होगा ये। हाँ और रस्सी है, ये कितने पड़ेगा? 15 रुपये का पूरा, पूरा ये 180 रुपये बैग रहेगा। और अगर कोई एक एक करके लेना चाहते हैं तो 15 रुपये करके पड़ेगा ना। और ये गोभी कितना पड़ेगा? वो जो ये तेल रखने के लिए या कुछ भी रखने के लिए पड़ेगा ना, ये तो 60 रुपये डजन ना, 5 रुपये। अच्छा ऐसे नॉर्मली खरीदने तो 10 रुपये का एक लेता है, क्योंकि मैंने खुद खरीदा था ना, इसका 10 रुपये का एक ही पड़ता है। तो मतलब आप लोग आ सकते हो और बहुत ही ज़्यादा सस्ते यहाँ पे पड़ेगा। और इनका जो शॉप का नाम है वो भी आप लोगों ने सुन लिया। भैया और एक बार बता दो शॉप का नाम। गैर मशहूर, दुकान नंबर 23। ओके ओके, थैंक यू।
उसके बाद देखो मैं जैसे सीधा सीधा आगे निकल रहा हूँ ना, मतलब ये मार्केट की बात करूँ तो बहुत ही बड़ा मार्केट है और यहाँ पे टोटली जो भी कलेक्शन बोलो, कटलरी कलेक्शन बोलो या फिर स्टील की कलेक्शन बोलो, ये भी थोड़ा बहुत है। ऐसा नहीं कि स्टील की कलेक्शन का भी ऐसे, ये डब्बे भी कितने में आएगा मैं पूछ लेता हूँ भाई, ये सब कितने पड़ेगा? एक नब्बे रुपये डजन में पड़ेगा। देख लो ये, मतलब जो हम लोग ये सब अगर आप लोग होलसेल में खरीदना चाहते हो तो ज़रूर आना यहाँ पे। यहाँ पे टोटली जो भी कलेक्शन देख रहा हो ना, सब कुछ ऐसे होलसेल, बिल्कुल होलसेल भाव में मिलेगा। यहाँ पे देखो राजश्री भाई की बस, यहाँ पे भैया ये सब कितने पड़ेगा? ये कितना चाहिए आपको? नहीं ऐसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ऐसे, बस 420 रुपये से चालू होगा ना डजन में। देखो ये एक डजन की बात कर तो 420 रुपये में पड़ेगा और यहाँ पे टोटली जो भी कलेक्शन देख रहे हो बिल्कुल होलसेल भाव में मिलेगा, बहुत ज़्यादा सस्ते में और बहुत ज़्यादा होलसेल भाव में मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे टोटली अगर कलेक्शन वाइज की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते में पड़ेगा। आप लोग ऐसे दूसरे की शॉप पे जाओगे तो बहुत ही, क्योंकि कालीपुर का अगर प्लास्टिक मार्केट की बात करूँ, प्लास्टिक बाजार की बात करूँ तो आप लोग देख लो कि कितना बड़ा मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट है। और यहाँ पे टोटली कलेक्शन की बात करूँ ना बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। देखो यहाँ पे भी एक प्लास्टिक का जो शॉप है ना, यहाँ पे भी ऐसे डब्बा बोलो या फिर कुछ भी बोलो, टोटली देख लो जो भी कलेक्शन देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा सस्ते में आप लोग को पड़ जाएगा भाई। ये सब डजन में आएगा कि पूरा ऐसे पूरा सब होलसेल में आएगा ना? कितने पड़ेगा ये सब? सब अलग अलग रेंज का आएगा, देख लो बिल्कुल सस्ते में, और मतलब सब अलग अलग रेंज में पड़ेगा लेकिन बहुत ही सस्ते में। ऐसे आप लोग दूसरे शॉप पे जाओगे तो यहाँ से अच्छा है कि चलो यहाँ से आओ और बिल्कुल होलसेल भाव में यहाँ से खरीद सकते हैं आप लोग। ये वाला मार्केट की बात करो तो काफ़ी ऐसे बड़ा, ये देखो बॉल की बात करूँ या फिर ये सब की चीज़ें की बात करूँ, ये बहुत ही हमारे लाइफ के लिए या फिर शॉप के लिए दुकान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि ये हमारा डेली यूज़ का है। दुकान साफ़ करने के लिए पानी बोलो या फिर शैम्पू का बोतल बोलो, इसमें सब हम लोग यूज़ करते हैं। और ये सब देखो, ये प्लास्टिक की जो भी कलेक्शन देख रहे हो ना बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं पड़ेगा यहाँ पे। काका ये डजन कितने पड़ेगा? ये 60 रुपये का पूरा पैकेट आ जाएगा ना? तो ये पूरा पैकेट आएगा आप लोग को 60 रुपये में। और ये काका 96 में पड़ेगा ना? ये देखो 100 रुपये में नहीं पड़े, 96 में पड़े, ओनली फॉर 96 में। इतना सारा अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हो तो भी यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ से कुछ कलेक्शन लेके जा सकते हो, फिर आपका जो बिजनेस है वो अच्छी तरीके से चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल होलसेल भाव में मिलेगा। यहाँ पे देखो टोटली जो भी कलेक्शन देख रहे हो ना, टोटली कलेक्शन आप लोग को होलसेल भाव में मिल जाएगा, क्योंकि कालूपुर का जो मार्केट है ना, मतलब प्लास्टिक का मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट है। और यहाँ पे आप लोग देख लो, खाली कलेक्शन देख लो, बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन है और सब कुछ कलेक्शन बहुत ही सस्ते भाव पे, बहुत ही नॉर्मल जो प्राइस है ना उसमें मिल जाएगा यहाँ पे। चलो यहाँ पे एक अंकल बैठे हैं तो उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो ये सब प्लास्टिक का जो भी डब्बा है ना, ये सब, ये ट्रे की बात करूँ, ये ट्रे भी मेरे ऐसे काम का चीज़ है, हम लोग भी ऐसे ही मेरे काम का। एक पीस का 20 रुपये, मतलब आप सोचो कि कितने सस्ते हैं पड़ रहा है यहाँ पे। प्लास्टिक की बात करूँ, फिर कटलरी की बात करूँ, सब कुछ कलेक्शन आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिलेगा, बहुत ही नॉर्मल प्राइस में, मतलब ऐसे नहीं कि चलो बहुत ही हाई प्राइस में, बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ेगा ये। देख लो मैं फिर से दूसरे शॉप की तरफ आ चुका हूँ। यहाँ पे भी शॉप की बात करूँ तो यहाँ पे प्लास्टिक का पूरा गोडाउन भरा हुआ है प्लास्टिक में, क्योंकि ये पूरा होलसेल मार्केट है। और यहाँ पे देख लो पूरा जो आप लोग देख रहे हो ना, पूरा जो ऐसे कलेक्शन है ना, तो टोटली प्लास्टिक का कलेक्शन है और बहुत ही ज़्यादा सस्ते में है। मतलब जो होलसेल भाव आप लोग को पता है, इन सब का प्राइस की बात करो ना तो बहुत ही ज़्यादा। चलो सामने चलता हूँ, ये जो आप दुकान देख रहे हो यहाँ पे, थोड़ा ऐसे ये भाई के साथ थोड़ा ऐसे बात कर लेता हूँ भाई। ये सब कितने पड़ेगा इसका पूरा डजन में? 180 रुपये में पड़ेगा। ये देख लो, ये पूरा जो देख रहे हो ना, पूरा 180 रुपये डजन में पड़ेगा, मतलब एक डजन ही है ना इसमें। तो टोटली देख लो यहाँ पे कलेक्शन देख लो, बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन है और मतलब इन सब का सब बहुत ही ज़्यादा सस्ते में पड़ेगा और यहाँ से लेके जा सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हो, मतलब इतने ज़्यादा सस्ते में। यहाँ पे लेडीज़ की बात करूँ, टोटली लेडीज़ की जो हेयर बेल्ट की बात करूँ या फिर रबड़ की बात करूँ, टोटली कलेक्शन देख लो, बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़े। यहाँ पे रूमाल की कलेक्शन की बात करूँ तो, या फिर कोई भी कलेक्शन वाइज की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ेगा, मतलब बिल्कुल होलसेल भाव में। मतलब एक इसका अगर आप लोग बाजार से लोगे तो 60-70 रुपये ले रखे लगाना, यहाँ पे ओनली फॉर 30 रुपये पड़ेगा या फिर 20 रुपये पड़ेगा, मतलब आप लोग सोच लो कि कितने ज़्यादा सस्ते में पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे देखो मार्केट खाली, मैं आप लोग को सब शेयर कर रहा हूँ ना, तो आप लोग खुद देखना और फिर बताना कि कैसा है। तो देख लो मैंने आज के एक दूसरे शॉप पे, यहाँ पे अगर पार्ट्स की बात करूँ फिर कंघे की बात करूँ
टोटली आप लोग देख लो बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिलेगा और होलसेल भाव में मिलेगा। और मैं इन सब का डजन पूछ लेता हूँ यहाँ पे पार्ट्स के। कल कितने पड़ेगा ये? 540 रुपये पड़ेगा एक डजन। एक डजन ना देखो 540 रुपये पड़ेगा एक डजन, मतलब आप सोचो कि कितने सस्ते मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं पे एक नंग लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ले लेता है 200-300 रुपये ले लेता है। तो आप लोग यहाँ पे टोटली 12 नंग आप लोग को मिल जाएगा, वो भी ओनली फॉर 540 में, ये 360 में। और ये देख लो ये ओनली फॉर 360 में पूरा डजन मिल जाएगा। और ये कंघी, कंघी 60 रुपये डजन। तो हम लोग अगर बजट से खरीदने के लिए एक का 20 रुपया ऐसा कुछ लेता है ना, 10 रुपया या हाँ ओनली फॉर 10 रुपये लेता है तो भी ये डबल हो जाते हैं। तो ये देखो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते में पड़ेगा ये। काका आपका दुकान का एड्रेस बता दो खाली बस। 45 नंबर ना, ओके। कालूपुर पे आओ और प्लास्टिक वाला मार्केट पे आओ तो ये वाला अंकल के वहाँ पे जरूर आना। और यहाँ पे देखो टोटली जो भी कलेक्शन देख रहे हो ना बहुत ही ज़्यादा सस्ते में पड़ेगा और बिल्कुल होलसेल भाव में, मतलब 90-100% ही मतलब आप लोगों को वो मिल जाएगा, चलो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि चलो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही जगह पे हम लोग जगह है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत ऐसे प्लास्टिक का जो मार्केट है ना वो मैंने किया, तो आप लोग इसको जितना होगा लाइक जरूर करना। और ये वाला देखो ये वाला रोड कितना ऐसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फुल होता है, तो आप लोग इसको जरूर इसको फुल कंटिन्यू करना। और ये वाला मार्केट देखो कितना बड़ा है, बहुत ही अच्छा मार्केट है, बहुत ही ऐसे मतलब जो प्लास्टिक का जो होलसेल वाला मार्केट बोलते हैं कालीपुर ये रहा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताना।